दोस्तों कुछ दिनों से जानकारी सामने आ रही है कि Realme अपने नाजो सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी में है। जैसा कि इस बार कंपनी अपने नाजो फोन की कैटेगरी के अंदर Realme नाजो 30 को लॉन्च करेगी। पिछले ही दिनों Realme कम्युनिटी वेबसाइट पर Realme नाजो 30 की रिटेल बॉक्स की फोटो को शेयर किया गया था, जिसके बाद इस सीरीज का एक और स्मार्टफोन Realme नाजो 30 प्रो को सर्टिफिकेशन साइट टीना पे स्पॉट किया गया है। वहीं अब Realme नाजो 30 प्रो की प्राइस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट को लेकर पूरी जानकारी मिल चुकी है, जो कि आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले इस फोन की लॉन्च डेट की बात करें, जो कि इस फोन को 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। वहीं हाल ही में एक टिप्स्टर ने अपने ट्वीट कर Realme नाजो का एक रिटेल पोस्टर को शेयर किया है। जैसा कि इस पोस्टर के अनुसार Realme नाजो 30 प्रो में MediaTek Dimensity 800U चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि ये चिपसेट 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। जबकि अगर आप ध्यान दें तो हाल ही में लॉन्च हुए Realme X7 स्मार्टफोन में सेम यही चिपसेट देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि Realme नाजो 30 प्रो में 120Hz वाली डिस्प्ले दी जाएगी। साथ ही अगर डिस्प्ले साइज की बात करें तो इस फोन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक छोटा सा पंच होल कट आउट भी देखने को मिलता है। वहीं कैमरे सेटअप की बात करें तो इस डिवाइस के बैक में रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया। हालांकि पोस्टर में अभी कैमरे डिटेल को लेके कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि लीक के हिसाब से इस फोन के बैक में ट्रिपल कैमरे सेटअप दिए जाएंगे और यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस के साथ देखने को मिल जाएगा। जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो इस फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप दिए जाने की बात सामने आई। वहीं इसके स्टैंडर्ड वर्जन नाजो 30A के बैक में क्वाड कैमरे सेटअप दिए जाएंगे। हालांकि इस फोन के कैमरे सेटअप को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो Realme नाजो 30A में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा, जबकि नाजो 30 प्रो की बात करें तो इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने को मिलेगा। अब बात करें रैम और स्टोरेज ऑप्शन के बारे में, तो इस फोन में 4GB और 6GB रैम के साथ 64GB और 128GB के स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया जाएगा। साथ में UFS 2.1 का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो Realme नाजो 30 प्रो में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। फास्ट चार्जिंग के तौर पे इस फोन में 30 वाट के चार्जिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं नाजो 30A की बात करें तो इस फोन के फीचर को लेके फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो Realme नाजो 30 सीरीज के रेगुलर वर्जन Realme नाजो 30 के साथ Realme नाजो 30 प्रो और नाजो 30A स्मार्टफोन शामिल हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा Realme ने ये अनाउंस किया है कि Realme नाजो 30 लाइनअप के साथ ही कुछ गेमिंग एक्सेसरीज को पेश करने वाली है। इसके अलावा एक नई खबर की बात करें तो कुछ हफ्ते पहले Realme इंडिया के CEO माधव सेठ ने जानकारी दी थी कि उनका नया 5G फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कुछ समय पहले नाजो 30 की रिटेल बॉक्स की कुछ डिजाइन को यूजर्स के सामने पेश किए थे। इसके बाद यूजर्स द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए गए रिटेल बॉक्स की इमेज के साथ माधव सेठ ने ट्वीट करके हिंट्स दिया है कि Realme नाजो 30 सीरीज जल्द ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों वैसे Realme नाजो 30 सीरीज में Realme नाजो 30 प्रो स्मार्टफोन ही 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरीज में और भी स्मार्टफोन 5G सपोर्ट के साथ देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, जो कि आने वाले वीडियो में इस टॉपिक पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करें इस फोन की इंडिया प्राइस को लेके, तो जैसा कि लीक में ये कहा गया है कि इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में 17 से लेके 18,000 के आसपास में देखने को मिल सकता है। साथ ही लॉन्च डेट की बात करें तो इसको लेके ये कहा गया है कि इसे फरवरी लास्ट वीक यानी कि 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी के बीच तक लॉन्च की जा सकती है, जो कि एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 24 फरवरी बताई जा रही है। दोस्तों आप इस फोन को लेके कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके जो बताना। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।